हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा HTML से रिलेटेड 12th ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग एंकर टैग का सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं। मैंने एंकर टैग से रिलेटेड फर्स्ट लेक्चर में आपको एक्सटर्नल वेब पेज और एक्सटर्नल लिंक बताया था। जैसे मैंने देखो यहाँ पर मैंने एंकर टैग का, जिसको हम हाइपर लिंक भी बोलते हैं, ये तीन टाइप्स के होते थे, जिसमें से मैंने आपको एक्सटर्नल पेज लिंक बता दिया है। एक्सटर्नल पेज लिंक में मैंने आपको क्या बताया था कि मान लो कि आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाना चाहते हो तो हम इस लिंक के थ्रू जा सकते हैं। उस लिंक पे क्लिक करोगे आप दूसरे पेज पे चले जाओगे, क्लियर है। और ये भी मैंने बताया था कि आप अपने वेबसाइट से किसी दूसरे वेबसाइट पे अगर आप विजिट करना चाहते हो तो आप इस एक्सटर्नल पेज लिंक के थ्रू आप कर सकते हो। तो ये मैंने प्रैक्टिकली हम लोगों ने देख लिया था पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग इंटरनल पेज लिंक और मेल्टो लिंक पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इंटरनल पेज लिंक क्या होता है। मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में आपको बताया था कि इंटरनल पेज लिंक में क्या होता है। जैसे अभी आपने एक्सटर्नल में क्या पढ़ा था कि अगर मान लो कि एक लिंक है, एक पेज है, उस पेज से मैं दूसरे पेज पे जाना चाहता हूँ, आप अपने खुद के वेबसाइट पे या फिर एक ही वेबसाइट के दूसरे पेज पे आप जाना चाहते हो तो इसके थ्रू आप जाते हो एक्सटर्नल पेज लिंक के थ्रू, या फिर आप अपने वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे विजिट करना चाहते हो तो हम इसके थ्रू जाते थे। अब इंटरनल पेज लिंक में क्या होगा कि मान लो कि मैं अपने पेज में, मैंने अपने एक पेज पे लिंक बनाया और मैं जब उस लिंक पे क्लिक करूँ तो मेरा आउटपुट उसी पेज पे आनी चाहिए, मतलब कि मेरा जो भी आउटपुट होगा उसी पेज पे आनी चाहिए। तो आइए देखते हैं इंटरनल पेज लिंक कैसे यूज करते हैं। इसके लिए मैं प्रैक्टिकल ही आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक लिंक बनाऊंगा एंकर टैग लेकर, और यहाँ पर मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था यहाँ पर HREF लिखा जाता है। HREF का मतलब क्या हुआ, HR फॉर हाइपरलिंक, REF मतलब H फॉर हाइपरलिंक, REF मतलब रेफरेंस, हाइपरलिंक रेफरेंस इसका मतलब होता है। अब यहाँ पर हम लोग लिंक देते हैं तो यहाँ पर मैं ID यूज करूंगा, ID के थ्रू मैं इसी पेज पे विजिट करूंगा। तो इसके लिए ID यूज करने के लिए मेरे को लिखना पड़ता है हैश। हैश आपका रिप्रेजेंट करता है ID, और यहाँ पर मैं कुछ ID ले लूंगा, मान लो ABC मैंने ID लिया, क्लियर है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ होम पेज, लिख देता हूँ होम पेज, मतलब मैंने ऐसे ही लिखा होम पेज ताकि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब इसके नीचे मैं ना कुछ एक हेडर फाइल ले लेता हूँ H1, और इसके अंदर मैं कुछ पैराग्राफ में जो हेडर फाइल है कुछ टेक्स्ट में पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट उठा लेता हूँ यहाँ से, और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा खुद का वेबसाइट है, जिन स्टूडेंट को जावा फुल डिटेल्स में पढ़नी है आप यहाँ से पढ़ सकते हो। यहाँ पर मैंने जावा SQL सबका लिख दिया है। अब हम लोग यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक और मैं पैराग्राफ बना लेता हूँ, एक और मैं यहाँ से पैराग्राफ बना लेता हूँ, पैराग्राफ नहीं हेडर फाइल बना लेता हूँ ताकि आपको बड़ा दिखेगा, क्लियर है। अब इसके अंदर मैं भी ये टेक्स्ट में पेस्ट कर देता हूँ, अगर आपको और बनानी है आप बना सकते हो। तो मैं चाहता हूँ क्या कि ऊपर का जो मेरा लिंक है, ये जो मेरा लिंक है इस पे मैं जब क्लिक करूँ तो मेरे को इसी पेज में यहाँ आनी चाहिए। देखो इधर मैं कुछ तो लिख देता हूँ कि यहाँ पर आनी चाहिए, सपोज मैंने यहाँ पर ही मैं कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, या फिर नीचे कहीं आप लिख दो। एक और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ हेडर टैग ले लेता हूँ, ये कार्ड ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं देखो एंकर टैग यूज करने जा रहा हूँ, तो इसको ना आप यहाँ पर ब्रेक दे दो। ब्रेक से क्या होगा, BR से आपको अच्छे से थोड़ा स्पेस मिलेगा तो समझ में आ जाएगा, क्लियर है। मैं 3 times इसलिए दिया ताकि मेरे को अच्छा खासा ब्रेक मिलना चाहिए, और इसके नीचे भी ये ब्रेक दे दो आप, इसके नीचे भी आप ब्रेक दे दो। अब यहाँ पे इसमें मैं एंकर टैग यूज करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखनी है कि यहाँ पर आपको नेम लिखना है, नेम इक्वल टू, अब इसके अंदर में आपका जो एंकर टैग का जो आईडी था, तो आईडी आपका क्या था, ये देखो मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो ये जो मैंने लिया आईडी, ये मेरा ABC है, तो इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे को यहाँ पर आना चाहिए, यही यहाँ पे आना चाहिए ABC यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ,
वेलकम टू होम पेज। मैं आपको ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो ऐसा आ रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो मेरा आ चुका है वेलकम टू होम पेज। आई होप ये समझ में आ रही है आपको। देखो फिर से मैं दिखा देता हूँ इसको, मैं ऊपर जाता हूँ। देखो ये पेज है मेरा, ये जो मैंने लिंक बनाया, अब इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो इसी पेज में मेरा लिंक मतलब विजिट कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक किया, देखो मेरा यहाँ पर आ चुका है वेलकम टू होम पेज। ठीक है, तो ऐसे ही आप और भी लिंक बना सकते हो। जैसे एक और मैं दिखाता हूँ आपको बनाकर। तो यहाँ से ये वाला पार्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एक और नीचे मैं बना लेता हूँ। यहाँ पर मान लो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। ठीक है, अब इसका आईडी मैं कुछ और देता हूँ, ए बी सी डी दे देता हूँ। ठीक है, अब इस आईडी से मेरा लिंक भी होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं ना होम पेज के जगह पर लिख देता हूँ रजिस्टर, रजिस्टर। क्लियर है आपको, अच्छे समझ में आएगा। अब इसको ए बी सी डी नाम का एक एंकर टैग ऊपर मेरे को बनाना पड़ेगा। तो ऊपर मैं ए बी सी डी नाम का एक एंकर टैग बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसके नीचे जस्ट एक ए बी सी डी नाम का एंकर टैग बना लेता हूँ। और यहाँ पर आप ब्रेक दे दो ताकि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये नीचे आ जाएगा, आपका लाइन के नीचे आ जाएगा तो आपको अच्छा दिखेगा। अब इसका नेम मैं ए बी सी डी दे देता हूँ। ठीक है, अब इसका नेम मैं रजिस्टर पेज कर देता हूँ, रजिस्टर। इसको मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ मैं। ये रिफ्रेश हो चुका है। अब मैं देखो ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर देखो जब मैं रजिस्टर पे क्लिक किया तो देखो मेरा आ चुका है वेलकम टू रजिस्टर पेज। ध्यान देना ये मेरा यहाँ पर आ चुका है। अब मैं होम पेज पे क्लिक करने जा रहा हूँ तो मेरा होम पेज पे आएगा। जैसे तो कि ये मेरा होम पेज है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ऊपर होम पेज आएगा। देखो देखो मेरा आ गया वेलकम टू होम पेज। आई होप कि आप लोग को समझ में आ चुका है कि हम ये जो आपका इंटरनल पेज लिंक है वो कैसे यूज करते हैं। तो अगर आपको एक ही पेज पे आपको आउटपुट लानी है तो हम ये यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था। आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो, मान लो कि मैं यहाँ पर लास्ट में जाता हूँ और लास्ट में या फिर यहाँ पर ये मेरे को स्क्रॉल करना पड़ रहा है बार बार। जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे को टॉप में जाना चाहिए। तो ये भी एक मैं बता देता हूँ। तो टॉप में जाने के लिए मान लो यहाँ पर एक मैं लिंक दे देता हूँ, यहाँ पे मैं एक लिंक दे देता हूँ इसके नीचे। और इसको एंकर है, ये एंकर टैग। और यहाँ पर मैं ये लिख दिया इक्वल टू, अब यहाँ पर एक्स वाई जेड ये मैंने लिख दिया। और आपको पता है हैश लगाना होता है आईडी, तो अब यहाँ पर लिखो टॉप। टॉप पे जाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया टॉप। ठीक है, अब ये जो एक्स वाई जेड ये जो नेम है आईडी, इस आईडी का मैं ऊपर कॉल कर लेता हूँ। इसको ब्रेक लगा दो ताकि आपको अच्छे से दिखेगा ये लिंक। तो इसको ये जो पार्ट है ना ब्रेक का, ये मैं यहाँ से इसको यहाँ लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखना चाहिए। अब मैं ऊपर जाता हूँ, ऊपर इसको मैं कॉल कर लेता हूँ। टॉप पे जाकर मैं इसको कॉल कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर मैं देखो इसके यहाँ पर मैं एक ये लेता हूँ एंकर टैग इसको ये। और आपको पता है यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है, नेम इक्वल टू मेरा नेम क्या है, एक्स वाई जेड है। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ मैं टॉप। ठीक है, अब इसको मैं सेव करता हूँ, आपको रन करके दिखाता हूँ। इसको मैंने रिफ्रेश किया, अब देखो ये जो टॉप है मेरा, अभी तो मेरे को जाने के लिए ऊपर स्क्रॉल करना पड़ता है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा देखो मेरा टॉप पे आ चुका है। क्लियर है, अब देखो ये मेरा टॉप जहाँ पर वो टॉप पे आ चुका है। अब इस रजिस्टर पे क्लिक किया, रजिस्टर पे आ गया। अब मैंने टॉप पे क्लिक किया, टॉप पे आ गया। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि इंटरनल पेज लिंक कैसे यूज करते हैं।